हाय गाइस, मेरा नाम गौतम सोनोने। आज मैं आप लोगों को व्हीकल के नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर प्लेट हम बोलते हैं, इस नंबर प्लेट का देने का रीज़न क्या है और उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, या ये जो नंबर प्लेट है या रजिस्ट्रेशन गाड़ी को जो रजिस्टर्ड किया जाता है RTO ऑफिस में, इसका करने का रीज़न क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो उसका बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट रहता है। ये जो बच्चा है, इसके डैडी कौन है, इसके मम्मी कौन है, इसके लिए हमको पहला क्या निकालना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के बाद में हम उसको बाद में उसका आधार कार्ड निकालते। आधार कार्ड में फिर मतलब उसका पूरा इंफॉर्मेशन आता है, उसका मम्मी कौन, डैडी कौन, उसका रेसिडेंटल एड्रेस क्या है या उसका नेटिव प्लेस क्या है, वो कभी उसका डिटेल्स पूरा मिल जाता है। जैसे अभी कोई भी बैंक में जाओ, कुछ भी जाओ, तो आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगा जाता है। वैसे ही सेम जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। क्योंकि व्हीकल एक क्या है, व्हीकल एक मशीन है, और ये जो मशीन है रोड के ऊपर चलती है। तो ये मशीन जब रोड के ऊपर चलती है तो रोड के ऊपर चलने के टाइम पे ये मशीन किसी को अभी ठोक सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या सपोज़ गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर आप कुछ क्राइम कर सकते हो, या गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा रॉन्ग मतलब क्रिमिनल ऐसा केसेस होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कुछ स्मगलिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये गाड़ी किसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, कहाँ से है, रजिस्टर का जो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसका ओनर कौन है, ओनर का एड्रेस क्या है, इसलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरी रहता है। तो अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपकी जो व्हीकल है, आपकी व्हीकल जब आप खरीदते हो तो वो आपको रेसिडेंटल प्रूफ मांगता है। तो रेसिडेंटल प्रूफ से ये पता चलता है कि ये गाड़ी कौन से RTO में इसका रजिस्टर्ड करना चाहिए। तो वो हिसाब से अगर सब नवी मुंबई में रहते हो तो आपका नवी मुंबई में रजिस्टर्ड होएगा। आप अगर थाना में रहते हो तो थाना के RTO में आपका गाड़ी भी रजिस्टर्ड होगा। या आप सपोज पनवेल में रहते हो तो पनवेल RTO में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। या बॉम्बे में MH-01, ताड़देव में MH-02, या तुम्हारा अंधेरी में MH-03, अपना चुना भट्टी में तुम्हारा साइन में मतलब तुम्हारा रजिस्टर्ड होगा। तो ऐसा हर एक एज पर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत सारे RTO महाराष्ट्र में क्या है, ओपन हुए हैं। तो ये जो RTO जो रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी रहता है वो हर एक एरिया का अलग अलग रहता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में देखने को जाएगा तो कम से कम 50 से लेके 55 RTO है। अभी 50 से लेके 55 RTO, इसका मतलब क्या, RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस है वहाँ आपकी गाड़ी का क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्टर्ड करना इट मीन्स क्या है, आपका डिटेल्स देने के बाद में वो गाड़ी आपके नाम पे क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, और वो गाड़ी का जो ओनर कौन है उसका डिटेल्स मिल जाता है। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये अगर आपको देखना रहेगा, नंबर प्लेट रहता है गाड़ी का, जो नंबर प्लेट रहता है, अभी ये देखिए गाड़ी का नंबर प्लेट है MH-43AF8983। तो इट मीन्स क्या है, ये गाड़ी सपोज़ किसी के नाम पे क्या है, रजिस्टर्ड हुए है, तो ये गाड़ी का नंबर मिलने पे ये गाड़ी के ओनर तक आप जा सकते हो, ओनर का एड्रेस तक, ओनर का रेसिडेंट कहाँ है उसको आप ढूंढ सकते हो। अभी मेनली क्या होता है कि कभी अगर सपोज गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो पब्लिक क्या करता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखता है और पुलिस केस कंप्लेंट करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो ये सिर्फ नंबर अगर मिल गया ना तो ये गाड़ी के ओनर तक आप क्या पहुँच सकते हो, या ये गाड़ी को पुलिस को मतलब ये नंबर मतलब फाइंड करने के लिए क्या होता है, ईजी होता है। अभी ये जो नंबर है MH-43AF8983, MH-43 मीन्स कम्स, ये MH बोले तो महाराष्ट्र। ऐसे हमारे इंडिया में हम बहुत सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र है तुम्हारा, दिल्ली है तुम्हारा, पंजाब है, हरियाणा है, MP है, UP है। तो MH का मीन्स क्या रहता है, दिस व्हीकल इज़ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट। ओके, अगर सपोज ये गाड़ी यूपी की रहेंगी तो यहाँ MH के जगह पे UP आएगा। ये अगर गाड़ी MP की रहेगी तो MH के जगह पे ये गाड़ी का MP लिखा जाएगा। तो यह गाड़ी गुजरात की रहेगी तो ये गुजरात GJ लिखा रहेगा, गोवा की रहेंगी तो गोवा लिखा जाएगा। तो MH से आपको गाड़ी का स्टेट का क्या चलता है, पता चलता है। अभी सेकेंड जो उसके आगे जो लिखा है 43 जो ये नंबर है महाराष्ट्र स्टेट का
43 नंबर का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का नंबर है। अभी MH 43 का मतलब क्या हो गया, ये नवी मुंबई का RTO है। नवी मुंबई का क्या है, ये RTO। तो ये गाड़ी कहाँ रजिस्टर हुई है, तो MH 43 मतलब नवी मुंबई रजिस्टर हुई है। और जो AF लिखा है, AF लिखा है, तो AF का मीनिंग क्या रहता है, AF का मीनिंग ये रहता है कि ये गाड़ी का सीरीज पता चलता है। ये मतलब AF से ये गाड़ी कौन से साल में रजिस्टर्ड हुई है, कौन से साल में। अभी ये सपोज़ ये व्हीकल अप्रॉक्सीमेटली 2010 या 2011 के आसपास में भी ये 2011 की गाड़ी रजिस्टर हुई है, तो इसीलिए AF से RTO को ये पता चलता है कि ये गाड़ी 2011 में क्या हुई, रजिस्टर हुई है। और फिर उसका जो नंबर है 8983, ये उसका सीरियल नंबर है। तो ये नंबर से आपको ये सब पता चलता है कि अगर सपोज़ कुछ हो गया, तो अगर ये आपको नंबर मिल गया तो आप RTO ऑफिस में जाएंगे, ये गाड़ी का डिटेल्स पूछेंगे, तो ये गाड़ी का ओनर कौन है, ओनर का एड्रेस कौन है, गाड़ी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है। इसीलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। और रजिस्ट्रेशन करने से गाड़ी का पूरा डिटेल्स मिलता है, जैसे हमारे आधार कार्ड से हमारा डिटेल्स मिलता है, वैसा गाड़ी के RC नंबर से। इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर बोला जाता है या इसको नंबर प्लेट बोला जाता है, तो इस नंबर से पूरा डिटेल्स क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसीलिए गाड़ी को रजिस्टर करना क्या है रहता है, ज़रूरी रहता है। थैंक यू।